लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, देश के दूसरे सबसे बड़े अदालती मामले अयोध्या विवाद पर अब फैसला किसी भी दिन आ सकता है, जिसे लेकर पूरे देश में गहमा गहमी का माहौल है। लेकिन सबसे ज्यादा सक्रियता अगर कहीं दिख रही है तो वो है आरएसएस और उससे जुड़े तमाम संगठनों में, जिनमें बीजेपी भी शामिल है। फैसले से पहले बीजेपी और खास तौर पर आरएसएस इस कोशिश में जुटा है कि इस फैसले को महज कोर्ट का एक फैसला ही माना जाए और किसी भी तरह का सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए, तो जिसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। न केवल आरएसएस से जुड़े नेताओं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ भी बैठकें जारी हैं और उनके जरिए समाज के तमाम वर्गों से शांति की अपील की जा रही है। खास तौर पर बीजेपी संघ और हिंदू संगठनों के नेताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि अदालत के इस फैसले को ना तो जीत की तरह ही लिया जाएगा और ना ही हार की तरह, यह सिर्फ एक अदालती फैसला होगा। दरअसल संघ की यह सारी कवायद इसलिए भी हो रही है क्योंकि अगर फैसले के बाद किसी तरह से भी माहौल पर कोई असर पड़ता है तो वो ये ना तो देश हित में होगा और ना ही केंद्र राज्य की सरकारों के हित में। तो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जनतंत्र टीवी के एडिटर इन चीफ वासिंद मिश्र। सर, सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे, अयोध्या पर फैसला आने से पहले संघ की सक्रियता इतनी बढ़ गई है, इसके पीछे आखिर क्या रणनीति है? देखिए तन्वी, आरएसएस हमेशा से सक्रिय रहा है। राम मंदिर आंदोलन का अगर हम कहें तो सूत्रधार आरएसएस ही रहा है। सामने भले ही अलग अलग संगठन दिखाई देते थे, विश्व हिंदू परिषद से लेके बजरंग दल या बाकी और संगठन, लेकिन उसके कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि में उसके जो कमान थी वो हमेशा आरएसएस के ही हाथ में रही है और आरएसएस की तरफ से ही डेजिग्नेटेड या नामित जो पदाधिकारी रहे हैं बीएचपी बजरंग दल के, वे इस आंदोलन को इतने लंबे समय से चलाते रहे हैं और अदालत के अंदर भी मुकदमों की पैरवी में सीधे तौर पर आरएसएस की भूमिका रही है जी। अब जब फैसला आने वाला है तो उसके मद्देनजर आरएसएस नहीं चाहता है कि देश में किसी भी तरह का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी सत्ता में है जी। केंद्र में भी और ज्यादातर राज्यों में भी, और ऐसी स्थिति में अयोध्या मामले को लेके अगर किसी भी तरह का कोई सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो उसकी सीधी जिम्मेदारी बीजेपी की सरकारों की होगी, आरएसएस की होगी, आरएसएस से जुड़े हुए फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की होगी। इसीलिए आरएसएस की तरफ से लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। आरएसएस ने अपने अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को सख्त हिदायतें दी है। कल प्रधानमंत्री ने भी अपने मंत्रियों की बैठक बुला के साफ तौर पर बोल दिया था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में अनावश्यक बयानबाजी से बचे। बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं, बीएचपी के सभी प्रवक्ताओं और बजरंग दल और बाकी हिंदू संगठनों के सभी प्रवक्ताओं को संयम बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा संघ की कोशिश है कि फैसला आने के दिन से लेके और बाद के दिनों तक काफी लंबे समय तक इस फैसले को महज एक कानूनी विवाद का निपटारे के रूप में देखा जाए। वह आरएसएस जो जब सत्ता में नहीं थी बीजेपी, तब इसको लेके सबसे ज्यादा अगर हाइप क्रिएट किया जाता था तो आरएसएस और हिंदू संगठनों की तरफ से, लेकिन आज जब सत्ता चलाने की जिम्मेदारी बीजेपी और संघ के की है, तो उस स्थिति में अब आरएसएस संयम संयत बरतने की हिदायत दे रहा है, सरकारें संयम संयत बरतने की हिदायत दे रही हैं और हर संभव कानून व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी चल रही है और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की तैयारी चल रही है। इसलिए मुस्लिम समुदाय के भी तमाम धर्मगुरुओं को दिल्ली से लेकर अलग अलग जगहों पर जुटाकर उनके साथ संवाद कायम किया गया है, उनसे बयान जारी कराए जा रहे हैं कि इस विवाद के बारे में फैसला चाहे जो आए, सबको अपना संयम और संयत बनाए रखना है और इसको महज एक कानूनी फैसले
के रूप में देखना है, न किसी समुदाय की जीत के रूप में देखना है, न किसी समुदाय के हार के रूप में देखना है। जी बिल्कुल, संघ न केवल हिंदू संप्रदाय के लोगों को सद्भावना बनाए रखने के लिए कह रहा है लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी लगातार मुलाकात कर रहा है ताकि किसी भी तरह का सांप्रदायिक जो भी सद्भावना है वो बरकरार रखा जा सके, किसी भी तरह की परेशानी ना हो लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद वाशिंद्र जी तमाम जानकारी देने के लिए।